हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे 17 दिसंबर फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे बोला तो भी कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि आज निफ्टी 250 प्लस एंड बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट डाउन था। तो देखेंगे हमने क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। दो दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, तभी मैंने बताया था कि 17200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो निफ्टी को डायरेक्टली 17000 तक आना है, और जो आज एक ही दिन में आया, क्योंकि फास्ट मोमेंटम है, ये आपको भी पता है। ये वीडियो किन के लिए? जिनको अपना प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, ओआर डेटा के साथ कैसे कंबाइन करना है, लेवल्स कैसे मैच करने हैं, उनके लिए ये सारे वीडियो सीरीज है जो मैं डेली बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स एंड सॉफ्टवेयर पेड कर। तो वो लोग तो ये वीडियो जरूर देखेंगे, और देखने का आपको अगर कुछ सीखने मिलता है तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताएंगे। तो आज का दिन कैसे, कहाँ पे ट्रेड था वो हम लोग देखेंगे, और फिर मंडे के लिए हमारी चाल क्या होगी, क्या लेवल्स होंगे वो एक बार डिसाइड करेंगे। तो आज मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, और ये लेवल ड्रॉ करके रखे थे 17200 के, और पहले ही बोला था कि 17200 डाउन होगा तो हमको शॉर्ट करना। तो अकॉर्डिंग टू दैट आज हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट कैंडल ने ही मेरा जो लेवल था वो ब्रेक कर दिया था यहाँ पे, मतलब आफ्टर फर्स्ट कैंडल ही आप शॉर्ट साइड में हो सकते थे। ये था मेरा लेवल, क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि लेवल वाइज रेड लाइन के नीचे मुझे शॉर्ट करना है, दीज आर माय टारगेट्स, एंड ग्रीन लाइन के अबव मुझे बाय करना है। बट ओआर डेटा कैसे था आज का? आज का ओआर डेटा काफी इफेक्टिव था, प्योर ऑन। अगर आप देखोगे तो इसको मैं सोने पे सुहागा सेटअप भी बोलता हूँ, कि मुझे ऐसा दिन चाहिए कि कॉल राइटिंग पॉजिटिव हो। कॉल राइट कौन करता है? जिनको मार्केट बुलिश लेके जाना है। पुट राइटिंग कौन करता है? जिनको मार्केट बेरिश लेके मतलब कॉल राइटिंग कौन करता है? जिनको मार्केट बेरिश लेके जाना है, और पुट राइटिंग कौन करता है? जिनको मार्केट बुलिश लेके जाना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे क्या था, कॉल राइटिंग बढ़ रहा है, मतलब जो कॉल राइटिंग बढ़ रहा है मतलब क्या, जिनको मार्केट डाउन लेके जाना है उनका क्वांटिटी बढ़ रहा है, और पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, मतलब व्हेनेवर द कॉल राइटिंग इज पॉजिटिव एंड पुट राइटिंग इज नेगेटिव, एट दैट टाइम मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल होता है। इसके रिवर्स भी थिंग देखने मिलेंगे कभी, जब पुट राइटिंग पॉजिटिव होगा और कॉल राइटिंग नेगेटिव होगा, वो सोने पे सुहागा सेटअप होगा, उस दिन आपको आपका लॉट साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हो। और ये पूरा टाइम आज बेरिश था, और अगर ऐसा बेरिश आपको दिखा तो दैट इज ऑन शॉर्ट ऑन रैली भी होता है। जो आज हमारे मॉर्निंग में वेबिनार था मेरे प्रो बैच के लिए, तभी मैंने उनको बोला था कि ये मार्केट डाउन आ रहा है, जब भी वो फिर से रिट्रेस होगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया आपको मैं बोलूं तो, यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट था, ये रिट्रेसमेंट पे भी हमने काम किया, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ये रिट्रेसमेंट पे मैंने कॉल दिया था, ये अबव जैसे हाई गया 170 पे बाय दिया था कॉल ऑप्शन, यहाँ पे पहला टारगेट आ गया, तो ये जोन फिर से शॉर्टिंग के लिए था। क्यों? क्योंकि मेरा पुट राइटिंग अभी भी नेगेटिव है ना, और कॉल राइटिंग पॉजिटिव है। दिस इज टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आज देखो, आज सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में हमने दो कॉल दिए थे, एक बैंक निफ्टी का दिया था और एक निफ्टी का दिया था। सेफ ट्रेडर के लिए तो मैंने आज कॉस्ट टू कॉस्ट बोला, क्योंकि सेफ ट्रेड में जब भी गैप डाउन और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ नहीं वर्किंग करता। निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाने में आपकी ताकत है, तो आप ट्रेड करो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में। ये मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में बोल चुका। तो आज हार्डली 25-30% लोगों ने ट्रेड किया जो पेड ग्रुप के, और बंपर प्रॉफिट 17200 का पी 170-270 100 पॉइंट्स का रैली, और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया था, 450-800 चला गया था। और मैंने जो बोला कि वो जो कॉल ऑप्शन दिया था वो यहाँ पे था 170 पे बाय, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल बॉटम और यहाँ पे सपोर्ट लेता, और वो भागा भी उसी डायरेक्शन में। बट मॉर्निंग से जो भी कुछ था, मॉर्निंग से ट्रेड नहीं थे। यहाँ पे आप देखोगे कि सारे मेरे क्लाइंट ने, एक क्लाइंट में तो मेरे 52,000 का प्रॉफिट बुक किया था, ये तो लाइव लेक्चर में किया, ही वॉज माई प्रो बैच का स्टूडेंट। यहाँ पे अभी ये लाइव मार्केट में ही ट्रेड हुए थे सारे, और ये जो थे ये सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के क्लाइंट्स है। यहाँ पे देखो 600 ऑल थ्री टारगेट्स 17,200 के पुट में काम किया था, 5,000 का प्रॉफिट। तो बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट भी मिलते हैं आपको अगर प्रॉपर लेवल और फॉलो करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस तो, ठीक है। तो ये आज के लिए था। अभी नेक्स्ट डे के लिए, मंडे के लिए दिन क्या हो सकता है वो प्राइस एक्शन से देखते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप एक फॉर्मेट देखोगे तो ये जो भी कुछ है, यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, एक चैनल में गया, फिर से चैनल ब्रेक किया, फिर एक चैनल बनाया, अभी ये चैनल ब्रेकडाउन किया। चैनल ब्रेकडाउन के बाद इजीली वो 300-400 पॉइंट दे देता है, उसमें से 200 पॉइंट तो आज ही दे दिए,
ये 200 पॉइंट पेंडिंग है, मतलब यहां तक निफ्टी अगेन आ सकता है, दैट इज 16,700 and 16,650. कभी देखो आप लेवल पे ट्रेड नहीं करो तो प्रॉब्लम है, ये लेवल अगर जाता है 16,930 के नीचे, अभी आपको फ्रेश शॉर्ट करना है और यही 17,000 का स्टॉप लॉस आप लगा दो और फिर ये टारगेट्स मेरे आएंगे। बाय कभी कर सकते हैं, अगर मेरा ये लेवल अगर जाता है 17,050 इसके ऊपर जाता तो आप बाय करो, ठीक है, बट वहां पे भी इसी ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। पे बाय करना है मतलब क्या, मेरे ज्ञान लेवल के हिसाब से ग्रीन लाइन के अबव होना चाहिए या मेरा निफ्टी का ओआर डेटा बुलिश होना चाहिए, वो क्राइटेरिया मैच होता है तो फिर आप बाय करो, ब्लाइंडली बाय नहीं करना, इज दैट क्लियर। बट ये शॉर्ट ऑन रैली है तो मेरे ख्याल से ये फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है मंडे के दिन, ठीक है। अगेन वोलाटिलिटी बहुत है ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से, ऐसे डोजी कैंडल भी बना सकता है कि यहाँ पे आया एक हैमर या डोजी कैंडल भी यहाँ पे बना सकता है और फिर ये हायर हाई बना के और ऊपर जा सकता है, क्योंकि आरएसआई जो भी कुछ है ये हायर लो बना रहा है, ठीक है, ये डबल बॉटम बना के हायर लो बना सकता है, ठीक है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज टू वर्क ऑन द लेवल्स। सेम एज अगर बैंक निफ्टी में बोलू आज, तो आज के दिन का अगर ट्रेड मुझे डिसाइड करना है तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो ओपन एंड हाई सेम था एंड पहले कैंडल ने ये रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया। मैंने यहाँ पे कहाँ पे तो ट्रेड दिया था, ये जब आया रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे कहाँ पे तो ट्रेड दिया और उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल थ्री टारगेट्स दे दिए, ठीक है, क्योंकि ये सडन फास्ट मूवमेंट था मॉर्निंग में, तो मैंने वेट किया सेटलमेंट के लिए, ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया, जो मैंने अभी आपको बताया 450 में बाय दिया था, 800 तक वो टारगेट चला गया था। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, ओआई डेटा। ओआई डेटा देखो तो मॉर्निंग से बेरिश है, कॉल राइटिंग एग्रेसिव हो रहा है और पुट राइटिंग हार्डली 7,000 या 8,000 था और 2 लाख तक कॉल राइटिंग चला गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है इसके लिए डाउनफॉल था। अगर आप प्राइस एक्शन के ओरिएंटेड देखोगे तो ये प्राइस एक्शन है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई दिया। मंडे के दिन क्या करना है, मंडे के दिन एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट थिंग तो ये सपोर्ट जोन पे आया एज पर प्राइस एक्शन के सपोर्ट जोन पे। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी मेरा सपोर्ट जोन लिया था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी बहुत सारा कंसोलिडेशन किया था और वही सपोर्ट जोन पे आके रुका। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एज पर प्राइस एक्शन। अनदर ऑब्जर्वेशन है कि 200 ईएमए के यहाँ पे डॉट सपोर्ट ले रहा है आफ्टर वन ईयर, मतलब वन ईयर के बाद यहाँ पे लास्ट नवंबर में और यहाँ पे बीच में दिसंबर में और एक बार लिया था यहाँ पे डॉट, वहां से ही मार्केट रिवर्सल गया था। सो आई विल बी स्ट्रॉन्ग बेरिश व्हेनेवर द क्लोजिंग बेसिस पे एटलीस्ट 35,300 का 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं हो जाता तभी मैं बेरिश हूंगा, अदरवाइज मैं नहीं हूंगा, ठीक है। इसके नीचे अगर कैंडल जाता है तो ये हैमर जो बना था इसके लो के नीचे अगर कैंडल जाता है दैट लो इज 35,327, तो 35,300 के नीचे अगर जाता है तो अदरवाइज ये 200 ईएमए का सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे सकता है। ईएमए में निफ्टी में वो 16,200 है 200 का ईएमए, बट यहाँ पे अभी सडन यहाँ पे ही है तो ये बाउंस बैक दे सकता है। आप अभी ज्यादा एग्रेसिव शॉर्टर मत बनो ये क्लोजिंग होने के बाद, क्योंकि अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं, 200-300 पॉइंट्स का डिफरेंस है। उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है मंडे को अगेन गैप डाउन होता है ओपन हाई से मैं रेड लाइन के नीचे ओवर डेटा बेरिश है शॉर्ट करके चले जाओ। बट मंडे के दिन अगर ऐसा हुआ ओपन और लो सेम हुआ यहाँ पे और डायरेक्टली गैप अप अगर होता है दैट इज पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट दीज आर द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर ऐसे नहीं हो तो मुझे ऐसे करना है तो आपका प्लान रेडी होना बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस इसके लिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके ऑलवेज प्लान रेडी होने चाहिए। अगर आपके प्लान रेडी नहीं है तो ऑन द स्पॉट आप बड़े लॉसेस कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए आप करने जाओ तो, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको काम में आ जाएगा, तो ये एनालिसिस आप रखो। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉटम करने आया है और ये हायर लो कर रहा है आरएसआई में, सो दैट इज ऑल्सो बुलिश साइन। तो यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है ओपन लो से में तो हम लोग बुलिश लेके निकल जा सकते हैं, बट मंडे को हम लोग पहले 15 मिनट वेट करेंगे एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग द डिसीजन। तो मैंने मेरे लेवल बता दिए, 35,300 के नीचे अगर मार्केट जाता तो वन कैन बाय, अदरवाइज शॉर्ट कर सकते हो, और आपको बाय करना है तो 36,000 के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे बाय करना है कि नहीं। तो वहां पे भी कुछ आपको बुलिश सिनेरियो दिखना चाहिए, आपका कैंडल पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, आपके ओआर डेटा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा स्किल होना जरूरी है या अदरवाइज आपके पास स्ट्रॉन्ग सेटअप होने चाहिए। जैसे मैं मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट को डबल स्क्रीन मेथड सिखाता हूँ कि वहां पे डबल कंफर्मेशन विद डबल स्क्रीन मेथड में ऑप्शंस एंड स्पॉट को कंबाइन करके हम लोग डिसीजन लेते हैं।
those are interested to learn such type of techniques, तो वो मेरा प्रो बैच का अपकमिंग ओरिएंटेशन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं जो कमिंग संडे को आ रहा है. उस दिन मैं डाउ थियरी भी सिखाने वाला, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. एंड फिर आफ्टर दैट दोज आर इंटरेस्टेड, लोग प्रो बैच में ज्वाइन भी कर सकते हो. तो ये संडे को हम लोग 10 to 12 हमारा लेक्चर रहेगा, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो. थैंक यू.